अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर देर शाम को हमीरपुर जिला के टौनी देवी कस्बे में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में लोगों की जाने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का भारत के व्यवसाय पर भी फर्क पड़ने के आसार हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा नुकसान भारत को नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना वायरस की बीमारी लंबी चलती है तो इससे फर्क पड़ेगा जरूर। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने टौनी देवी में सामुदायिक केंद्र भवन की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर देर शाम को हमीरपुर जिला के टौनी देवी कस्बे में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में लोगों की जाने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का भारत के व्यवसाय पर फर्क पड़ने के आसार हैं और कुछ दिन पहले वित्त मंत्री के साथ इंडस्ट्रीज के साथ बैठक करके पूरी जानकारी जुटाई है। हालांकि इससे कोई ज्यादा नुकसान भारत को नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना वायरस की बीमारी लंबी चलती है तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने टौनी देवी में सामुदायिक केंद्र भवन की आधारशिला भी रखी। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट पूरे देश और दुनिया भर में है। यूएस चाइना ट्रेड वार के कारण पहले दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ा, अब कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों की जान भी गई और एक बड़ा गंभीर खतरा दुनिया उसके रूप में देखती है। भारत में भी हमने पीछे कुछ दिन पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने संबंधित इंडस्ट्री से बातचीत की जो निर्भर रहती हैं चाइना से इम्पोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए, कि किस तरह से भारत के व्यापार पर उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। हाल में देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन अगर चाइना में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट लंबा चलता है तो उससे ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के उद्योग जगत को फर्क पड़ेगा। दिल्ली हिंसा में हो रहे नुकसान को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि देश भर में शांति बनी रहे, इसके लिए उनके प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने लाभ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के दिल्ली हिंसा के ट्वीट पर जवाब दिया है कि कांग्रेस अपने इतिहास में जाकर देखेगी तो उन्हें उसमें उत्तर मिल जाएंगे। मुझे लगता है वो अपने इतिहास में जरा नजर डालकर देखें, उसी में उनको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। जांच चल रही है, जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पूरी जांच हो, इस सब के ऊपर दिल्ली में चल रहा है। लेकिन जरूरी यह है कि देश भर में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, जो हमारा सबसे बड़ा एक ताकत है कि इतने बड़े देश में भारत में सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर रहे। लेकिन कुछ लोग अपने लाभ के लिए समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगामी दिनों में बैंकों के विलय को लेकर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने पर बैंकों की स्थिति दयनीय थी और एनपीए की संख्या बहुत बढ़ गई थी और नुकसान में चले हुए थे। ऐसे में बीजेपी सरकार ने बैंकों के विलय किए हैं जिससे आर्थिक स्थिति सुधरी है। उन्होंने कहा कि बैंकों को विलय करने के बाद अब बैंक मुनाफा कमा रहे हैं और पिछले 5 सालों के कदमों से परिणाम सामने आए हैं, इसलिए 4 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा वापस मिल गया है, जो कि बढ़िया कदम के साथ चलते हुआ है। कि 2014 में जब हम सत्ता में आए तो बैंकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। अधिकतर बैंक में एनपीए की संख्या बड़ी थी, नुकसान में थे, मुनाफा नहीं कमाते थे। लेकिन हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाया, इसके अलावा रीकैपिटलाइजेशन बैंकों की और रीऑर्गेनाइजेशन उनके मर्जर्स की हमने शुरुआत की। लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा हमने रीकैपिटलाइज यानी कि वापस उनकी पूंजी डाली है और बैंकों को 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करके 4 किया है। और आप इसका बदलाव क्या आया है, अधिकतर बैंक आज के समय में मुनाफा कमा रहे हैं। ये पिछले 5 वर्षों में जो कदम उठाए गए उसके कारण हुआ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड एक बहुत बड़ा कदम था सरकार का, जिसके कारण लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा वापस आया है, तो इस बड़े कानून के कारण आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अदन ग्रीन गणपति।